हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ मूवी पठान। दोस्तों, पठान मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं बता दूं, इंडिया की मात्र एक ऐसी फिल्म है जो आईमैक्स कैमरे के साथ शूट हुई है, तो देखने का और भी रोमांच बढ़ जाता है। दोस्तों, 4 साल बाद SRK का कमबैक इतना शानदार होगा किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों, 10 से 12 मिनट की मूवी देखने के बाद SRK की जब फाड़ू एंट्री होती है तो ऑडियंस बेकाबू हो जाती है और सीटियों के बीच एक ही नाम सुनाई देता है, किंग ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों, एक्शन सीक्वेंस इतने ज़्यादा कमाल के हैं जो आपको कनेक्ट करके रखते हैं। और दोस्तों, बॉलीवुड में मैंने तो शायद इससे पहले इतना बेहतरीन एक्शन नहीं देखा, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की मूवी है। और दोस्तों, गाने तो ऑलमोस्ट आप लोग सुन ही चुके हैं। और बात करें यहाँ पर हम बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो फाइट के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है दिल की हार्ट बीट बढ़ा देता है। वही दोस्तों, दीपिका पादुकोण का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लुक के साथ एंट्री होती है और कुछ भी ओवर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन देखने में लगता है। और जॉन अब्राहम की यूनिक एक्टिंग इस मूवी को 4 चांद लगा देती है। और बात करें दोस्तों, जो फर्स्ट हाफ देखने के बाद जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो वहाँ पर दोस्तों जो ट्रेन वाला सीन है, हॉलीवुड वाला फील आता है उसे देखकर। और उसी दौरान भाईजान की एक था टाइगर BGM के साथ एंट्री होती है। एक था टाइगर BGM के साथ वो इसलिए क्योंकि एक था टाइगर टाइगर जिंदा है और वार और दोस्तों पठान, ये दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्में एक हिस्सा है, इसीलिए ये यहाँ पर सलमान खान का कैमियो दिखाया गया है जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब बात करें दोस्तों इस मूवी के क्लाइमेक्स की, तो क्लाइमेक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो रेता पूरी तरीके से फैल जाएगा, देखने का मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, मूवी दोस्तों एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।